नमस्कार बारवाटी बैटल को स्वागत करुछु माधुरी दर्शक बंधु क्रिकेट जो प्रेमी को भितरे बेस क्रेज रही है कारण टी20 मैच अर्थात दक्षिण आफ्रिका दल भारत को भेटिबो एवं जोते पाई कि कटक बारवाटी स्टेडियम एकदम प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी अधिक आलोचना करिबो अधिक आलोचना पाई हम सहित क्रीडा समीक्षक पवन अग्रवाल हम सहित रही श्रीयुक्त अग्रवाल आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को प्रथम तो आपण भितर केते एक्साइटमेंट रही जेहेतु दीर्घ वर्ष पर पुणी भारत में दक्षिण आफ्रिका एवं टीम इंडिया मैच खेल जा अधिक आलोचना पाई हम सहित पूर्वतन क्रिकेटर हम सहित रही पवन अग्रवाल रही श्रीयुक्त अग्रवाल आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को श्रीयुक्त अग्रवाल वर्तमान समस्त भितर से ही क्रेज रही दक्षिण आफ्रिका और भारत भितर मैच होगाक जाऊँगी टी20 मैच होगाक जाऊँगी जो कि समस्त एक्साइटमेंट रही तो प्रथम तो आप कौन कह आपर एक्साइटमेंट रही आम आपको ये चित्र देखाऊ कटक बारवाटी स्टेडियम एकदम प्रस्तुत चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी कारण आउ चारि दिन बाकी रही आउ चारि दिन पर ही मैच रही टी20 मैच रही जो कि समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची सारी किंतु बड़ कथा जे टिकेट बिक्री अर्थात टिकेट काउंटर जो ऑफलाइन टिकेट बिक्री जो कथा कहुला टिकेट ऑफलाइन साधारण दर्शक जो मैंने रही आसंता काली टिकेट बिक्री करा जिबो तो सीधा सड़क कटक नहीं जाऊ विश्वजित रही रिपोर्टर विश्वजित साधारण दर्शकों पर कौन सब व्यवस्था करेतु आसंता काली टिकेट बिक्री करा जिबार जा रही भारत दक्षिण आफ्रिका मैच पर आसंता काली साधारण दर्शकों पर टिकेट बिक्री करा जिवो खूब शीघ्र आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े एवं अधिक आलोचना करिबा किंतु सबुठार बड़ कथा जे जेहेतु मौसुमी ओडिशा को मौसुमीर भय रही किंतु तापाई स्वतंत्र व्यवस्था करदी वर्षा होठारे खेल किभली सुरखुरी हो पार से नहीं स्वतंत्र व्यवस्था करु जेहेतु 12 तारीख आ कि दिन समय रही आ चारिदिन रही आ चारिदिन पर ही मैच रही टी20 मैच रही जहाँ कुछ समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी ये आपने देखुं बारवाटी स्टेडियम चित्र खेलाड़ी जो मैंने रही दर्शक जो मैंने रही क्रिकेट प्रेमी से प्रस्तुति शेष पर्यायर समस्त कार्य सरी सारी आम सहित रिपोर्टर विश्वजित जोड़े रही विश्वजित आपण अनेक गुड़े मैच आगु देखी कटक बारवाटी स्टेडियम अनेक मैच आम देखीछू जे प्रस्तुति किभली थाए आम देखीछु किंतु चलित थर जेहेतु दीर्घ वर्ष पर पुणी थे बारवाटी स्टेडियम मैच खेल जा प्रस्तुति किभली देखुं निश्चित भाव देखते हाथ मात्र तीन दिन रही मैच को तेणु प्रस्तुति गोटे प्रकार शेष होती कहे अत्युति हे ना कारण आप जानते बारवाटी स्टेडियम पिच कथा कहतु ग्राउंड कथा कहतु गैलेरी कथा कहतु टिकेट काउंटर कथा कहतु ये सब प्रस्तुति गोटे प्रकार शेष होती जहाँ टी शेष स्पष्ट रही कम चल रही आपको देखेबी जो रही गैलेरी बारवाटी स्टेडियम परिसर भितर दृश्य देखा आप देखु जो प्रैक्टिस पिच रही कम चली हूँ प्रैक्टिस पिच रही जो ग्राउंड बाहर को किसी बाहर को यहाँ रही किंतु बड़ कथा होची जो पिच प्रस्तुत करा जाए से आप जानते कोलकाता जो कर्मचारी मैंने आसी पिच को प्रस्तुत करुँचंती प्रतिदिन एभली पिच को प्रस्तुत करा जाऊँ एवं किसी जहाँ अल्प काम कि बाकी रही करा किंतु कहींपर जो आनुषंगिक काम ता सरी जाए आ गोटे दृश्य आपको देखेबी जो आसी इंग्लैंड जो कभर आसी फुल ग्राउंड कभर आप देखते प्रशिक्षण दि जाऊ ट्रायल बेसीस किभली वर्षा हुए तो किभली से ग्राउंड को कवर कर देखो कोलकाता जो कर्मचारी आसार जो कर्मचारी ओसीआर जो कर्मचारी अच्छे से प्रशिक्षण देखते ये तार दृश्य देखूँ जदि कौन मुहूर्त जदि वर्षा होभली ग्राउंड को सुरक्षा दिजाई ये व्यवस्था कराखापाखि 2 कोटी टकर जो कभर आसी सहित सुपर सुपर जहाँ आसी ऑस्ट्रेलिया
एवं ता कहुची जदि वर्षा होती परिस्थिति रे तेणु घंटे अधघंटा बर्षा जब कंटिन्यूअसली बर्षा तापर मध्य खेल हो पार और सुरखुरी खेल हो पार एवं 300 लिटर क्षमता रही सुपर सुपर ड्रेनेज कर पानी जदि जमुची ड्रेनेज कर सहित पूरा ग्राउंड जो 75 यार्डस रही 75 यार्ड ग्राउंड को पूरा कभर कर जो आसी ऑस्ट्रेलिया क्षमा करेंगे इंग्लैंड जो आसी कभर फुल ग्राउंड कभर ता पूरा ग्राउंड कभर करहब तेणु व्यापक व्यवस्था ओसीएस कि रही मैच को लेकिन उत्साह तो देखा मिली ओसीए गोटे पशु शेष कर देखूँ जो स्प्रे करा जाउची जो मेडिसिन रही जो घास किसी पोक था स्प्रे करा देखु ग्राउंड भितर प्रवेश करुच्चे से मेसीन प्रतिदिन ए स्प्रे जदि किसी पोक कीटनाशक था स्प्रे द्वारा सी खेल समय उठे ना उपरक तेणु आप देखते पूरा ग्राउंड पूरा पिच को प्रस्तुत कर जदि बा आगु डोमेस्टिक मैच खेल हो जो सैंड ब्रेस ग्राउंड में आउटफिल्ड में कि प्रथम थर अंतर्जात मैच खेल ए जो सैंड ब्रेस ग्राउंड में आपड़ जानते जदि वर्षा होती सैंड ब्रेस ग्राउंड एर पा को शीघ्र टाणी ने खेल खेल कौन बाधाप्राप्त हो ना से सैंड बेस ग्राउंड कर देखूँ जो पिच रखुं बीसीसीआई जो पिच क्यूरेटर रही सी कोलकाता आसिक पिच को देखुं कौन करहब शेष मुहूर्त में पिच किभली रहिब पिच से जी अच्छा ओसीए मुख्य पिच क्यूरेटर पंकज पटेल सहित आलोचना करेणु गोटे प्रकार पिच काम सरी ग्राउंड काम सरी पुलिस पिच को जगी रही दृश्य देखे आप देखते पुलिस बंदूकधारी पुलिस पिच पिच निकट उपस्थित अच्छा सी अहर दिन राति 24 घंटा प्रहरा दे कड़ा सुरक्षा बलय रही पिच तेणु अपरपटे देखा ग्यालेरी कथ देखते ग्यालेरी काम गोटे प्रकार शेष जो आम तार दृश्य देखा जो ग्यालेरी गुड़िक रही सामने जो ग्यालेरी रही 6-7 ग्यालेरी कथ कहतु एनक्लोजर कथ कहतु स्पेशल एनक्लोजर कथ कहतु कॉर्पोरेट बॉक्स कथ कहतु ए सब नंबरिंग कर सारी और चेयर पड़ सारा तेणु हाथ में जेहेतु कम समय रही तेणु कम समय भितर कि पूरा काम सर से ओसीए प्रकार गोटे प्रकार प्रस्तुति आरंभ शेष पर्यायर पहुंची आउ जहाँ आप जानते आसंता का जेहतु ऑफलाइन टिकेट बिक्री आरंभ कर जनसाधारण तेणु गोटे प्रकार प्रस्तुति सरी पुलिस पक्षर कहतु ओसीए पक्षर कहतु और जहाँ कहुच्छी काउंटर पाखापाखी 9 काउंटर कर 9 काउंटर टिकेट बिक्री होती मधु प्रथम थर पर 2 महिला काउंटर कर 2 काउंटर में महिला मैंने चाहिए से लाइन लगे टिकेट नहीं पारे और मैच को उपभोग करें सहित चलित थर 3 कंटेनर आसी जो कंटेनर में व्यवस्था कर जो टिकेट काउंटर में जो टिकेट दायित्व नहीं बिक्री करने HDFC बैंक जो दायित्व नहीं कर्मचारी किभली सुरखुरी में टिकेट साथ बिकी पारे से व्यापक व्यवस्था करें डिस्कशन आलोचना करूँ कि आज रात भिड़ देखा मिले आप जानते निहत भाव में जो 44,000 क्षमता था बारवाटी स्टेडियम बसिक देखिपारे क्रीडाप्रेमी किंतु ताठू अधिक लोक उत्साह था अधिक क्रेज थाए अधिका लोक आसते हैं टिकेट पर जेहतु 12,000 टिकेट काउंटर बिक्री हम कितु कहु आज भिड़ जमी कि डीसीपी पक्ष कह कौन सी लोक आज रात लाइन न लगे कल 7 बेलू लाइन लगा कारण 9 बेले काउंटर खोल तेणु राति समय कौन आवश्यकता ना लाइन में ठिया हेपाई टिकेट काउंटर में आप जानते जो 9 काउंटर कर 2 काउंटर स्पेशल काउंटर कर जो 5,000-12,000 टंका पर्यंत कॉर्पोरेट बॉक्स जो टिकेट रही बिक्री हो गैलरी टिकेट गुड़िक अन्य 5 काउंटर बिक्री कर 2 रहा तेणु पूरा सुव्यवस्था करसीए पक्षर कि शांति श्रृंखला क्रीडाप्रेमी आसे टिकेट ने टिकेट नहीं खेल देखिए आसवे और आपको आउ गोटे सूचना देवी जो टिकेट नाक जो क्रीडाप्रेमी आसे परिचय पत्र देखे और मैक्सिमम 2 टिकेट जड़े नहीं पार तेणु किभली समस्त टिकेट पाए समस्ते खेल देखा आसपार खेल उपभोग करेंगे से गोटे प्रकार प्रस्तुति सरी विश्वजित जो कथा कहुच्छे जो आसंता काली टिकेट बिक्री करा जिवो तो दर्शकों पर विशेषकर टिकेट बिक्री ठार आरंभ कर पिच रे दर्शक मैंने जोठार बस खेल देखिए पूरा व्यवस्था किभली विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था को केते कड़ाकड़ी कराई कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि न हुए
देखो एपर्त कौन अफिशियाल सूचना आसनी के प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन खेल समय कि आम कहीपर आसंता काली पाखापा दस प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन रे कि सुरखुरी टिकेट बिक्री करेणु काउंटर पाखे दस प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन भिड़ को दृष्टि रखी से सीसी कैमेरा व्यवस्था करसी पक्षर और सब प्रकार व्यवस्था कहींपर और ग्यालेरी कथ जो पचार ग्यालेरी संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी नंबर सो सारी सहित आगे देखो ग्यालेरी सामने जो जाली अच्छी जाली जी कौन लोक भितर किसी फोपाड़ी नपर आप जानते हैं 2015 मसीह जो मैच होता इंडिया और साउथ आफ्रिका मध्य किसी अप्रतिक परिस्थिति सृष्टि और अप्रतिक परिस्थिति भितर किसी बोतल और पा पाउच पड़िया भितर पकड़ तार पुनरावृत्ति न घटे से गोटे सुव्यवस्था कर सीए एक गोटे स्पष्ट कौन लोक पड़िया भितर को पा पाउच कि पा बोतल कि खाई जिस आनीपर ना कि कौन कॉइन पैसा आनीपारे ना तेणु गोटे प्रकार ये गाइडलाइन जारी करा कि शांति श्रृंखला खेल सर जेहेतु आप जानते आसंता काली मैच दिल्ली में आयोजन हो प्रथम मैच इंडिया और साउथ आफ्रिका मध्य बुबामा और राहुल जो बाहिनी रही निश्चित भाव में गोटे बड़ टक्कर हम ए पिच जो भाई आपंट बैटिंग को सुहला भाई पिच कर जहाँ आशा क्रीड़ाप्रेमी को आम आलोचना करूँ से कहवा कथा जेहेतु बारवाटी स्टाडियम गोटे बैटिंग पिच कर तेणु 180-200 रन स्कोर है गोटे भल मैच और गोटे कड़ा टक्कर हम बोली कहुच्छे आपड़ जानते बुबामा बाहन में अनेक भल खेला अभिज्ञ खेला रही आप डिकक कथ कहतु डेविड मिलर कथा कहतु निगिड़ी कथा कहतु अनेक पर्नेल कथा कहतु ए सब अभिज्ञ खेला रही अपरपटे देखा इंडिया कथा इंडिया अनेक भल खेला रही के एल राहुल कथ कहतु ऋषभ पंत कथ कहतु हार्दिक पांड्या कथ कहतु भुवनेश्वर कुमार कथ कहतु श्रेयस अय्यर कथ कहतु समस्ते भल प्रदर्शन करते आईपीएल तेणु से आशा जो देखा निश्चित भाव गोटे भल स्कोर हे एवं क्या आम गोटे भ्रमणकारी साउथ आफ्रिका कमजोर भाविपर ना भल फर्म अच्छा प्लेयर मैंने जानते हैं निकट आईपीएल डिकक जे 100 मारी डेविड मिलर गोटे भल फर्म थे गुजरात टाइटन्स को फाइनाल मारे गोटे साय करते तेणु दुई दल गोटे भल प्रदर्शन करेंगे बार बार गोटे आशा रही तेणु भल मैच हम बोली समस्त क्रीड़ाप्रेमी गोटे आशा रखिंट माधुरी बिल्कुल ये आशा आशंका भितर कि जहाँ डाटा आसूँ तथ्य अनुजाई जब देखा तेज कौटना कौटी चलित थर स्टार खेला मैंने पड़िया को ओह्लाउ ना बार बार आसुना केते मिस करेंगे दर्शक मैंने निश्चित देखो जदि आम देखा वरिष्ठ खेला विराट कोहली कथ कहतु जसप्रीत बुमरा कथ कहतु सहित रोहित शर्मा कथ कहतु देखो गोटे समय आप देखो आईपीएल समय एत भल फर्म नाला और तथापि जहाँ कह वरिष्ठ खेला पसंदर खेला क्रीड़ाप्रेमी अच्छा से कहते निश्चित भाव में मिस करेंगे जेहेतु से आसुना अनेक फैन रही विराट कोहली अनेक मिस करेंगे कहुच्छे तेणु देखो वरिष्ठ खेला तो अनुपस्थित रे कि जो जो युवक क्रीड़ा क्रीड़ा प्रेमी रही युवक मैंने रही से कह कथा जो टीम एवं सिलेक्ट होती सी कौन ठारूँ कम नुंती भल खेलुँ भल प्रदर्शन करेणु आप देखते ऋषभ पंत कथ कहते हार्दिक पांड्या कथ हार्दिक पांड्या निकट में गुजरात लाइन कैप्टन थे और गोटे भल पारि खेलुले इनिंग तेणु गोटे भल आशा रखा जाए गोटे भल मैच हो बार बार टी एथरक गोटे प्रस्तुत करेंगे भल रन है पिच कर बैटिंग को सुहला भाया पिच तेणु गोटे भल स्कोर हो आशा कर माधुरी ओके फेर भी आपको निकटक विश्वजित परवर्त समय जोड़ी रहता बर्तमान आम सहित पूर्वतन क्रिकेटर पवन अग्रवाल जोड़ी रही श्रीयुक्त अग्रवाल आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को श्रीयुक्त अग्रवाल आउ किसी दिन अपेक्षा आउ किसी दिन पर T20 मैच होगा जाऊँच प्रथम तो कितने एक्साइटमेंट रही आप निश्चय बहुत एक्साइटमेंट अच्छा बिकज तीन वर्ष पर पुणी मैच होगी बारवटी स्टेडियम ओडिशा रोचे तो निश्चय आम बहुत उत्साहित अच्छे मुझे भावी कि जिते स्पेक्टेटर अच्छा बहुत इवेन ओडिशा जिते के मैंने खेल प्रेमी अच्छी समस्त समस्त बहुत एक्साइटेड अच्छा ओके किंतु पिच तो आम देखु संपूर्ण प्रस्तुत रही रिपोर्टर मैंने देखा चित्र फोलाइन टी घटी खूब शीघ्र आप सहित जोड़े कि विश्वजित आप निकट को फेरिया को चाहिए विश्वजित जो कथ आलोचना करूँ जे एकदम पिच प्रस्तुत हो सारी शेष पर्यायर पिच प्रस्तुति पहुंची सारी कि सुरक्षा व्यवस्था किभली करते खेला मैंने आसी पहुँचे एयरपोर्ट एयरपोर्ट रु होटेल और होटेल पर जितेबाला पड़िया को ओह्लैबे पूरा व्यवस्था पुलिस पक्ष कौन सब व्यवस्था कर
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏକୋଇଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ କରାଯାଇକି ମେଫେୟାର ପହଞ୍ଚାଯିବ, ଏବଂ ମେଫେୟାରରେ ଦଶ ଦିନ ରହିଲା, ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେସନ୍ ରହିଛି ବାରବାଟୀରେ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଲଟିଂ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ, କିଭଳି ବାରବାଟୀକି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦର୍ଶକ ବସିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 500ରୁ 600 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓସିଏର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ସବୁପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳ ସରିବ ଏବଂ ଖେଳକୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ପିଚ୍ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଟିକିଏ କାମ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯାହା ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ଯିଏ ବିସିସିଆଇର କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓସିଏର ପିଚ୍ କ୍ୟୁରେଟର ପଙ୍କଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଚ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରୋଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ବର୍ଷା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଭର ଆସିଛି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓସିଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମିଶନର ପୋଲିସ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଇଏ LED ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକକରଣ ଭାବରେ LED ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସହିତ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ ଟାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକକରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଓସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି କହିପାରିବା। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ପଲା ଭାରି ରହିବ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚଳିତ ଥର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଭଳି ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫର୍ମାଟ ଯେ ଅଛି, T20 ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ବେସିକାଲି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଅଛି। ଆଉ ଇଭିନ୍ IPL ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ସରିଲା ଅବିକା, ଯଦି ଏତିକି ପିଲା ଅବିକା ସିଲେକ୍ସନରେ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ପରଫର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଟିମ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ପରଫର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଟିମ୍ କରାଇଛି। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଦେଖିବୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରେ ଆମ ୱିକେଟ୍ ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିମ୍ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଏ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କାହିଁକି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ଯିଏ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ ସେ ଜିତିବ। ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଯେ ପୁଣି ଫର୍ମ ରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଯୋଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହିଟର ମାନେ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ
କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି, ତାକୁ ଗୁବାମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାବଡ଼ା ଅଛି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ପରଫର୍ମର ଅଛି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ନାଁ କହୁଛି ସେମାନେ ପରଫର୍ମର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଇଏ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟୀକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ମିସ୍ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମିସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ବିକା ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଖି ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ଯୋଉ ଟାଇମ ଥିଲା ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘଟି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିକୁ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ଥିଲା ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉନଫଲ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ସନ ଅଛି କିଛି ବର୍ଷ ଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ହେବେ। ଓକେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ମୁତାବକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ କମି ହେବାକୁ ଦେବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ମାନେ ବି ବହୁତ ହାଙ୍ଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଟିମ୍ର ଯଦି କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେଚ୍ୟୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯାହାକୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ସେ 200% ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହି ରଖିବା ଯେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନର ସମୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଇଚ୍ଛୁକୁଛୁ, ନମସ୍କାର।